श्रीको तुसी मैदान लाओ, जट जरूर आएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगी। आप देख रहे हैं टेक्निकल 47, मैं हूं ज़ेबीबल 47। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है फायर नेम आर्ट वाला, जो आपका आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया होगा, इस तरह का वीडियो जो टिकटॉक पर बहुत ही वायरल है, ठीक है जी, आप भी बना सकते हैं अपने मोबाइल पर। आपको मैं आज इसको बनाने का तरीका बताऊँगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। इस वीडियो को बनाने के लिए जो जो हमको मटेरियल चाहिए होगा उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आपने पहले काइन मास्टर अपना डाउनलोड कर लेना है, प्रोमोडेड, उसका भी लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। सबसे पहले आपने जाना है अपने काइन मास्टर पे, प्लस के आइकन पिक करके 16:9 का ये वाला आपने एक रेशो ले लेना है। उसके बाद आपने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इधर से चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर से जाके आप ओके कर दें इसको। उसके बाद ये आपका ब्लैक कलर आ गया। अभी आप हमने टेक्स्ट लेना है, इधर से लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाके आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना है, ठीक है जी। पहले हम लिख लेते हैं लव वाला लेटर जो लिखा हुआ है, ठीक है। लव वाले लेटर को बड़ा करके थोड़ा हम इधर रख देंगे। फिर इधर डबल ए पे जाके इसको एक फॉन्ट दे देंगे, जो आपने वीडियो देखा है उसमें जो सेम फॉन्ट लगा हुआ है वो वाला फॉन्ट हम, ये वाला आप फास्टर वन रेगुलर इस काइनमास्टर के स्टोर से, इधर स्टोर है, इधर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है जी। इसको सेट कर लेंगे हम, फिर इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे हम अपनी स्क्रीन के मुताबिक, इसको इधर रख देंगे, ठीक है। इसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर लेयर पर जाएंगे, फिर टेक्स्ट पर जाएंगे हम, ठीक है। अभी हम अपना नाम, जिस नाम पर हम बनाना चाहते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है जी। मैं अभी इधर लिख लेता हूँ टेक्निकल 47 अपने चैनल का नेम, ठीक है जी। ये मैंने लिख लिया, इसको भी मैं इधर इसके सेम इधर सेट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद डबल ए पे जाके इसका आपने इधर से भी फॉन्ट जो है वो लगा देना है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं हम। तो जैसा सेम आपने वीडियो में देखा है वो वाला फॉन्ट, ये फाल्कन वाला फॉन्ट, इसका नाम है फाल्कन, ठीक है। इधर से डाउनलोड कर लिया अभी जाके प्ले स्टोर से। तो इसको मैं लगा लूँगा फाल्कन वाले को। फाल्कन वाले को लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसके मुताबिक रख दूंगा सेम जितना साइज़ उसका है, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर एक वो लाइन भी है, वो भी आपको बताता हूँ किस तरह आपने डाल दी है, ठीक है। इसके बाद लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं, ठीक है। मैंने एक PNG दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्राउन PNG जो है, ठीक है, वो भी आप इधर से सेट करें। तो मैं वो क्राउन वाला PNG लगाता हूँ अभी, ठीक है जी। ये क्राउन वाला PNG हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा करके थोड़ा इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, अपने नाम के ऊपर सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको इधर से ओके कर दें, ठीक है जी। फिर आपने लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। उसके बाद एक और मैंने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PNG दिया हुआ है, ये एटीट्यूड बॉय वाला PNG है, ठीक है। आपने भी ले लेना है, उधर से जाकर डाउनलोड करके इसको अपने ले के इधर सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं, एक एटीट्यूड वाला वो टेक्स्ट लिखा हुआ है जी, ठीक है। वो आपने अभी वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। वो भी आपने इधर से जाके ले लेना है, ठीक है। ये हमने ले लिया एटीट्यूड वाला टेक्स्ट, ठीक है। उसको भी हम इसके नीचे सेट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा करके रख देंगे हम, ठीक है जी। इधर से जाके ओके कर देंगे। उसके बाद अभी ये नाम के नीचे एक बॉर्डर दिया हुआ था इसने, ठीक है जी। वो भी हम ये हैंडराइटिंग पे जाएं, लेयर पे जाएं, हैंडराइटिंग ऑप्शन है आपके पास, इसके ऊपर जाएं, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने पहले इस डब्बे के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। डब्बा के ऊपर जाके आपने इधर से ये वाला ले लेना है, ठीक है जी। ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो आपके पास डॉट आ रहा है, इसको थोड़ा इधर से जाके आपने थोड़ा इसको इसका साइज़ जो है बड़ा कर देना है, ठीक है। उसके बाद इधर से ओके कर दें। अभी आपने जाके इधर ये लाइन ड्रा कर लेना है, ठीक है, इधर ऐसा, ठीक है जी। ये लाइन हमारा हो गया ड्राई। इसके बाद हम इधर को इससे जाके इधर से ओके कर देंगे। इस लाइन को अभी हम इधर से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो में बॉर्डर नहीं दिया हुआ था, ठीक है जी, वो भी मैंने ये इसमें दिया हुआ है बॉर्डर, वो भी आप बनाएं। इसके जाके हैंड राइटिंग पर जाके आपने इसके ऊपर जाके ये डब्बा वाला जो निशान है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसके जाके जो साइज़ है इसको थोड़ा छोटा कर देना है।
उसके बाद हम इसको जाके इधर से ऐसा ड्रा करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से ड्रा करना है आपने, ठीक है जी। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम, इसके ऊपर सेट करेंगे, ठीक है जी। अभी हम इसको बड़ा करते हैं और थोड़ा सा, ये देखें जी हमारा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको इधर से जाके ओके कर देंगे, ठीक है। अभी हम फिर लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, जो फायर है मैंने उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है जी। जो फायर इस वीडियो में है वो भी आप इधर से जाके सेट कर लेना, ठीक है। ठीक है जी, लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं, इधर से अब ये फायर वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए अभी हमको थोड़ा चला के दिखाता हूँ, ठीक है जी। किधर से ये जिधर से ये इस वीडियो में आना शुरू हो जाएगा उधर से जाके हमने इसके ऊपर क्लिक करके कैंची पे जाके ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर देना, ठीक है जी। ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट, इसको अभी इधर से पकड़ के बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है जी। अभी इसके ऊपर क्लिक करके फायर वाले पे इसको आपने इधर से जाके बड़ा कर लेना है, ठीक है। दोनों फिंगर के साथ इसको जूम करके इधर रख देना है, ठीक है। इसके बाद इधर से जाके इसको ओके कर देंगे। फिर ये फायर वाले के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद फायर वाले पे क्लिक करने के बाद आप इसको स्वाइप करते जाएंगे तो आपके पास ये इधर एक ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग का, ठीक है। ब्लेंडिंग पे जाके आपने इसको मल्टीप्लाई पे कर देना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई पे करेंगे तो ये उसका ब्लैक कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं जी, ठीक है जी। देखें बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपका वीडियो बन गया, ठीक है। अभी आप इसको इधर तीर पे जाके, ठीक है जी, तीर पे जाके इधर से एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है, 30 फ्रेम पर सेकंड पे रख के। तो इसके ऊपर आप अगर आप ऑडियो इधर से लगाना चाहते हैं इधर से भी लगा सकते हैं, अपने ऑडियो पे जाके कोई भी ऑडियो चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और या टिकटॉक पे डायरेक्ट भी पोस्ट करेंगे तो वो ऑडियो आपका पिक हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।